बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? ओपन योर एसएसटी बुक। टुडे वी स्टार्ट आवर ज्योग्राफी पोर्शन, चैप्टर नंबर 6, एग्रीकल्चर। हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, उसका पेज नंबर 90 अपना ओपन करें। आज का हमारा जो क्वेश्चन है हमने करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है हमारा। पाकिस्तान इज़ द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। पाकिस्तान जो है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री या डिसएग्री करते हैं? अगर आप एग्री या डिसएग्री करते हैं तो आप इस स्टेटमेंट को एग्री या डिसएग्री करते हैं तो रीज़न पेश करें। स्टूडेंट्स ओपन योर नोटबुक्स और ऊपर अपना क्वेश्चन मेंशन करें, क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर क्या है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया था ना, आई थिंक आपको याद होगा, मैं बारहा में रिवाइज कर चुकी हूँ कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये इदारे का नाम है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है। पाकिस्तान मतलब के जो है पाकिस्तान वो दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉय है। पाकिस्तान प्लेन एरियाज लाइक पंजाब एंड सिंध और अबंडेंटली कल्टीवेटेड एरियाज। पाकिस्तान के जो प्लेन एरियाज जैसा कि पंजाब और सिंध, ये अबंडेंटली कल्टीवेटेड एरियाज हैं। वी फाउंड मैक्सिमम वेजिटेशन फ्रॉम दीज एरियाज। हम मैक्सिमम जो है ना वेजिटेशन सब्जियां वगैरह वो इस इन एरिया से लेते हैं। सो यस आई एग्री दिस स्टेटमेंट डैट पाकिस्तान इज़ द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। सो मैं जो है इस स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान इज़ द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है। जी स्टूडेंट्स अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। Write a short note on the agriculture of Pakistan. Agriculture of Pakistan पे short note लिखें, answer क्या है हमारा। Agriculture is an important part of the world and Pakistan. Agriculture जो है ये दुनिया का और पाकिस्तान का एक बहुत अहम part है। Agriculture is the only source of feeding the huge populations of the Pakistan. एग्रीकल्चर जो है वो ये ओनली ह्यूज पॉपुलेशन के लिए ओनली सोर्स ऑफ फीडिंग है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड लोकेशन। डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स जो है पाकिस्तान में ग्रो की जाती हैं, इस वो किस लिहाज से ग्रो की जाती हैं कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप के क्लाइमेट और लोकेशन के लिहाज से डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रो की जाती हैं। सो इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द वर्ल्ड। सो पाकिस्तान जो है इन तमाम वजूहात की बिना पर दुनिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, एग्रीकल्चर में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। सो स्टूडेंट्स ये आज की आपकी डायरी है, ये दोनों क्वेश्चन, पहला आंसर छोटा था इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आपको करवा दिया है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लर्न भी करना है और राइट भी करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। आई लव यू स्टूडेंट्स।